तो आप देख लेंगे 9 बजे आएगा ऑनलाइन, तो आप देख लेना। इट्स जस्ट अ लिटिल ग्लिम्प्स जो पूरी दुनिया हमने क्रिएट करी है इस फिल्म में, उसका एक छोटा सा झलक था ये जो हमने शेयर किया फैंस के साथ। बजरंगी के टाइम भी हमने यही किया था फैंस के साथ, हमने लॉन्च किया था टीजर, बिकॉज अल्टीमेटली फिल्म फैंस के लिए होती है, ऑडियंस के लिए होती है। तो आई थिंक उनका एक एक्साइटमेंट जो होता है, उनका जो प्यार होता है, उसी से हमारी फिल्में बनती हैं। और ये जो सभी एक्साइटेड है जल जा, ये सारे डायलॉग है, तो जी आप बताइए कि ये क्या है, ये जल जा जी? अब जब आप देखेंगे टीजर या जब आप फिल्म भी देखेंगे, एक थोड़ा सा एक इंटेग्रल पार्ट है उसमें ये आता है, तो एक अच्छा एक चांट बन गया है जो इन लोगों ने पकड़ लिया है। सिंपल सी बात है सर, आप इनकी सुन लीजिए। देखिए मिल गए, रिस्पॉन्स ऑफकोर्स ये लोग तो मतलब बहुत ही प्यार करते हैं सलमान को, हमारी फिल्मों को, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स बहुत ही एक्साइटिंग है, और अल्टीमेटली यही रिस्पॉन्स के लिए हम लोग फिल्म बनाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। एज अ सेड, ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है, अभी ट्रेलर तो आएगा 20 दिन बाद, लेकिन आई थिंक इससे एक थोड़ा सा एक बस शुरू हो जाएगा, एक्साइटमेंट शुरू होगी। कबीर जी, एक और क्वेश्चन है कि आप इतने जाने माने डायरेक्टर हैं, आपको फिल्म की इतनी समझ है, एक रीजनल फिल्म बाहुबली सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, एक डायरेक्टर के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, जब भी कोई भी फिल्म अच्छा काम करती है, जब भी अच्छा बिजनेस करती है, हमें बहुत खुशी होती है। आई थिंक रीजनल फिल्म की तरह नहीं देखना चाहिए बाहुबली के लिए, यही ट्रायम्फ है बाहुबली का कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली साउथ का मार्केट और नॉर्थ का मार्केट दोनों को कंबाइन किया है। दैट फॉर दैट हैट्स ऑफ टू राजमौली, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट एफर्ट। कबीर जी, मैं ट्यूबलाइट की बात करूंगा क्योंकि हम खान भी मिलेंगे, हम यकीन है, क्या यकीन दिलाने वाले आप इस फिल्म के जरिए? पिक्चर देख के आपको पता चलेगा, अभी मैं बोल दूंगा तो क्या फायदा पिक्चर बनाने का। ओके, पोस्टर की अगर मैं बात करूँ, पोस्टर बहुत ही फैबुलस लग रहा है, जिस तरह सलमान जी जी किसी को सलाम ये कर रहे हैं, जी जी इस तरह से हमने देखा, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बस ये आई थिंक जितने भी हमारे पोस्टर हैं और टीजर भी है, उसमें आपको ये झलक दिखाई देगी कि सलमान खान इस बारी बहुत अलग किस्म का एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर जो मैं कह सकता हूँ हो सकता है अभी तक उन्होंने अपने करियर में कभी किया नहीं है। बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, एज अ डायरेक्टर मैं जब उनको गया, मैंने जब उनको समझाया कैरेक्टर, मैंने उनसे यही बात करी थी कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कैरेक्टर है, एंड वी शुड बी रियली रेडी टू डू इट, एंड ही सेड आई एम अप फॉर द चैलेंज। एंड उन्होंने जिस तरीके से, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरी फिल्म है, एंड आई हैव डन 3 फिल्म्स विद हिम, बट he has just pushed the boundaries in terms of craft and acting in this film. Kabir ji fans ne to trailer dekh liya hai, lekin puri teaser abhi trailer abhi fans ko hi dikhayenge Kabir sir, teaser dekh liya hai, aam janta kab dekh payegi? 9 baje online. पोस्टर आया, हमने देखा बस के ऊपर सलमान और सुहेल खान, जिस तरह से सलमान खान और सुहेल खान है, और एक बस के ऊपर जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं दोनों के साथ में, कैसी रही ट्यूनिंग आपसे अगर जानना? बहुत अच्छी रही, आई थिंक ऑब्वियसली दोनों भाई हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान था क्योंकि एज अ डायरेक्टर मुझे अगर इस्टेब्लिश करना है कि दो भाइयों में बहुत प्यार है, तो सोहेल और सलमान के साथ मैं एक सेकंड में आप वो देख लेते हैं, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है एक साथ, जिस तरीके से एक रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए इट वॉज वेरी नाइस, इट्स अ वेरी स्पेशल रोल फॉर सोहेल, और मुझे बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करने में। अच्छा, ये सलमान खान के गले में जूते पहनाना, ये क्या थी? मैं सारी कहानी आपको यही बता दूंगा, ट्यूबलाइट की तरह होती है। आपके लिए कितना ईजी था उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना कि भाई इस तरह से गले में जूते पहनना? आई थिंक एक बार ही उन्होंने कहा कि ये मुझे कैरेक्टर करना है, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं था, ही टुक द कैरेक्टर, और उन्होंने खुद जिस तरीके का वो हार्ड वर्क और होमवर्क इस बारी किया है इस कैरेक्टर के लिए, वो एज अ डायरेक्टर इट वाज अ प्लेजर फॉर मी। चलिए, इन फ्यूचर अगर
इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले तो आप जिस तरह से बाहुबली राजा मौली के साथ कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, आप इच्छा रखते हैं इस तरह से साथ में काम करने की? किसके साथ काम? आप राजा मौली, राजमौली डायरेक्टर है, मैं डायरेक्टर, तो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। इंतजार एक ट्यूबलाइट की तरह होती है, जैसे जलती है लेकिन जब जलती है तो पूरा रोशनी कर देती है, तो इंतजार कीजिए ट्यूबलाइट आएगा जल्दी। अभी आई डोंट थिंक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसा हुआ है, तो ऐसे रूमर्स पे हमें नहीं रिएक्ट करना चाहिए। हम तो ऑब्वियसली चाहते हैं हर जगह ये फिल्म दिखाई जाए, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों, हर जगह दुनिया में दिखाई जाए। तो अभी ये किसी रूमर्स के बेसिस पे हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमारी तरफ से यही पोजीशन है कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये फिल्म दिखाई जाए। थैंक यू।